उत्तर प्रदेश के महोबा में देर रात तेज रफ्तार डंपर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में सवार दो युवकों की दर्दनाक मौके पर मौत हो गई है, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ती ठंड के साथ ही सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के समय तब सड़क हादसा हो गया जब अज्ञात डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत होते ही कार अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जबकि घटना के बाद डंपर मौके से फरार हो गया। कार में चार लोग सवार थे, जिसमें दो छोटू और मलखान की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य सचिन और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टर द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार कानपुर जा रही थी, वहीं घटना के बाद शव कार में ही फंस गए, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। अंकित गुप्ता है और दूसरा है नाम क्या है यादव। ये अंकित का जो राइट साइड जो इसकी जो यादव के क्या नाम है यार क्यों यादव के क्या नाम सचिन सचिन यादव का मतलब राइट साइड का यंगर स्ट्रक्चर और बाइटर मतलब ठीक ठाक है। इसके मतलब जो है सिग्नल जो है अंकित गुप्ता है, इसके फादर का नाम है तो अभी इसकी बाइटर की गंभीर हालत है, इनको रेफर भी किया जाएगा जी। हालत कैसी है? हालत तो अभी मतलब जो है क्रिटिकल है उनके दोनों की, उसको भी फ्रैक्चर है काफ़ी खेल गई है और इसके बाद जो है सिर में चोट है। रेफर किया जाएगा क्या इनको? हाँ इनको रेफर करेंगे। मतलब इसकी जानकारी नहीं है मुझे, दो सुनने में आया कि दो कैदी की किस चीज़ से एक्सीडेंट हो गया, कौन सी गाड़ी? गाड़ी भी है फोर व्हीलर थी जो उसकी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमाद अहमद की रिपोर्ट।